ये देखिए दोनों तरफ से पक चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये लीजिए तैयार है हमारे चिकन शिश टॉक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं चिकन शिश टॉक। चिकन शिश टॉक के लिए जो हमें अज्जा चाहिए, बोनलेस चिकन ले लिया हमने 1/2 kg, एक प्याज ले लिया हमने इस तरह कटा हुआ, एक टमाटर ले लिया इस तरह कटा हुआ, शिमला मिर्च 1 या 2 ले ली, अगर बढ़िया तो 1 लेंगे, अगर छोटी है तो 2 ले लें। दही लेंगे हम 2 टेबल स्पून, क्रीम लेंगे 4 टेबल स्पून, लेमन जूस लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, दालचीनी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून, छाछ स्टिक ले रहे हैं हम 10 से 12 ले लें 1/2 किलो चिकन के लिए। अब मैरिनेट करने के लिए एक बॉल लेंगे, उसमें हम चिकन डालेंगे, नमक डालेंगे, पेपरिका पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, दालचीनी पाउडर लेंगे और ज़ीरा लेंगे। ज़ीरे को हम रोस्टेड कर लें ज़रा पैन में, ज़ीरे को हम रोस्टेड कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ज़ीरा रोस्टेड हो गया, हम इसमें डालेंगे, ज़ीरा रोस्टेड हो गया हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करने के बाद दही ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। चलें अब हम इसे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, इसके बाद आगे की रेसिपी बनेगी जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, अब हम छाछ स्टिक लेंगे और टमाटर का क्यूब्स लेंगे इस तरह से इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद हम चिकन रखेंगे। अब हम शिमला मिर्च रखेंगे, इस तरह फिर चिकन रखेंगे, उसके बाद हम प्याज रखेंगे, फिर चिकन रखेंगे और लास्ट में हम फिर से टमाटर लगाएंगे। इस तरह हम सारी स्टिक्स तैयार करके रखते जाएंगे। फिर से दूसरी स्टिक में हम टमाटर लगा रहे हैं, चिकन लगा रहे हैं। ये देखिए ये तैयार है, अब हम इसे पैन में फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन लेंगे एक और उसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून,
जैसे ये गर्म होता है, जैसे ही गर्म होता है उसमें मैं स्टिक रखती हूँ। इस तरह से हम स्टिक रखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ क्योंकि मेरा फ्राई पैन छोटा है तो सारे नहीं आएंगे इसमें पूरे। पहले मैंने फ्लेम फुल रखी थी, अब मैं ऐसे दरमियानी कर रही हूँ क्योंकि ये जलना चाहिए और पूरी तरह से पक जाए, इसलिए दरमियानी फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। अब हम साथ इसकी साइड चेंज करेंगे, देखेंगे वो कलर आया साइड से। ये देखिए इस तरह से कलर आ जाएगा, फिर आप साइड चेंज कर लें। तब तक आप साइड चेंज नहीं कर सकते जब तक कि कलर ना आ जाए नीचे से। जब नीचे से कलर आ जाएगा फिर आप ऊपर वाले हिस्से को कलर देंगे उसे पलट के। ये देखिए दोनों तरफ से पक चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह। हम दूसरे तैयार कर लेंगे जो हमारे बाकी के बच्चे हुए हैं। ये तैयार हो चुके हैं, अब दूसरे तैयार करेंगे। ये लीजिए तैयार है हमारे चिकन शिश टॉक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, और हम आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। और भी मजीद मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।